नमस्कार दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम के बल्लेबाज रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रचा है। कई रिकॉर्ड इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने नाम किए हैं, जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको बता दें, रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाया, वहीं पर अजिंक्य रहाणे अपने शतक के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। खराब रोशनी के चलते पहले दिन का खेल समाप्त जल्दी कर दिया गया था। पहले दिन सिर्फ 58 ओवर का खेल हो सका। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं इस मैच का स्कोर कार्ड। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। तो पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 224 रन बना लिए 3 विकेट के नुकसान पर। 58 ओवर का खेल हुआ था, जहाँ पर अब रोहित शर्मा 117 रन बनाकर नॉट आउट हैं, वहीं पर अजिंक्य रहाणे 83 रन बनाकर नॉट आउट हैं। उम्मीद है दोनों बल्लेबाज कल बड़ी पारियां खेलेंगे। वहीं पर अजिंक्य रहाणे के नंबर वन रिकॉर्ड की बात करें तो ये रिकॉर्ड है महेंद्र सिंह धोनी के साउथ अफ्रीका के खिलाफ 646 रनों का था, जिसे तोड़कर अब अजिंक्य रहाणे आगे हो चुके हैं उनसे और इन्होंने 716 रन बना दिए। 10 मुकाबलों में एक कारनामे किया है अजिंक्य रहाणे ने, वही 12 मुकाबलों में किया था महेंद्र सिंह धोनी ने। अब अजिंक्य रहाणे आगे हो चुके हैं। वही रिकॉर्ड नंबर दो की बात करें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने में रोहित शर्मा ने मुरली विजय को पीछे छोड़ दिया। मुरली विजय 531 रन बनाए थे, अब आगे हो चुके रोहित शर्मा 583 रनों पर पहुंच चुके हैं, जिसमें 3 शतक भी शामिल है रोहित शर्मा के। वहीं पर दोस्तों, रिकॉर्ड नंबर 3 की बात करें तो ये है साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज़्यादा शतक लगाने के मामले में। अब रोहित शर्मा विराट कोहली के ऊपर आ चुके हैं, यानी कि बराबर 3-3 शतक लगाए, लेकिन रोहित शर्मा ने 9 मुकाबलों में ये कारनामा कर दिया है। वहीं पर सबसे ज़्यादा सचिन तेंदुलकर हैं, उसके बाद वीरेंद्र सहवाग और मोहम्मद अजहरुद्दीन इनसे आगे हैं। वहीं रिकॉर्ड नंबर 4 की बात करें तो दोस्तों, ICC टेस्ट चैंपियनशिप में अब रोहित शर्मा भी टॉप 5 बल्लेबाजों के में पहुंच चुके हैं, जिन्होंने 434 रन बना दिए हैं। अब इनसे आगे स्टोक्स हैं, कोहली हैं, रहाणे और समित हैं। तो कल कई खिलाड़ियों को ये पीछे छोड़ सकते हैं, यानी कि दूसरे नंबर पर आ सकते हैं रोहित शर्मा, अगर बड़ी पारी खेलते रहे तो। वहीं पर अगले रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो अगला रिकॉर्ड है ओपनर के तौर पर सबसे ज़्यादा शतक लगाने का एक साल में। इस रोहित शर्मा ने सचिन तेंदुलकर, ग्रिम स्मिथ, डेविड वार्नर की बराबरी कर ली है। इन्होंने भी अब 9 शतक लगा दिए हैं। वहीं पर दोस्तों, अगले रिकॉर्ड की बात करें तो यह रिकॉर्ड है एक ओपनर के तौर पर 3 शतक लगाना एक सीरीज में। इससे पहले सुनील गावस्कर ये कारनामा 3 बार कर चुके हैं, लेकिन अब रोहित शर्मा भी उनके पीछे आए हैं। पहली बार इन्होंने भी एक कारनामा किया कि एक सीरीज में 3 शतक लगाए हैं। तो दोस्तों, ये वो कुछ खास रिकॉर्ड थे जो इन खिलाड़ियों ने लगाए हैं। तो दोस्तों, कल भी कई रिकॉर्ड बना सकते हैं अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा, क्योंकि दोनों काफ़ी शानदार फॉर्म है और रोहित शर्मा अपने कैरियर की सबसे बड़ी पारी भी खेल सकते हैं। उम्मीद तो ये की जा सकती दोस्तों कि सबसे बड़े रिकॉर्ड 400 रनों का ब्रायन लारा का रोहित शर्मा तोड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।